समाजवादी पार्टी में जारी लड़ाई के बीच में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पैनी नजर विधानसभा चुनावों पर भी है। अखिलेश यादव और उनका खेमा न सिर्फ पार्टी में जारी दंगल को साधने में जुटा है, बल्कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस और आरएलडी से गठबंधन की जुगत में भी लगा हुआ है। जहां एक तरफ अखिलेश के करीबी रामगोपाल यादव पार्टी से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं और चुनाव आयोग में पार्टी सिंबल के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद अखिलेश यादव गठबंधन के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। सूत्रों की माने तो सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश राहुल और प्रियंका गांधी से डायरेक्ट टच में भी हैं। राहुल गांधी के छुट्टी से लौटने के साथ ही इस गठबंधन की खबरों में तेजी आ गई है। सूत्रों की माने तो शुरुआत में कांग्रेस ने 140 और आरएलडी ने 50 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन बाद में दोनों पार्टियां कुछ सीटें कम करने को तैयार हुई हैं। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई आखिरी सहमति नहीं बनी है, लेकिन माना जा रहा है कि सपा 300, कांग्रेस 78 से 80 और बाकी सीटें आरएलडी को दी जाएगी। बता दें कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में थे, जबकि मुलायम सिंह यादव ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी।